बाबा के दर्शन कर लीजिए और फाइनली विसर्जन करते हैं गोल माता। तो चलिए अभी हो गए हैं हम लोग रेडी। जैसा कि सुबह ही मैंने बताया था कि हम लोग जाने वाले हैं आज गोरमा का विसर्जन करने के लिए, बिकॉज आज पुरुषोत्तम मास का लास्ट डे है, तो पूरी फैमिली के साथ जाने वाले हैं। सब लोग ना नीचे आ गए हैं, सब वेट कर रहे हैं और मैं और हेमल भी यहाँ पे रेडी हो गए हैं। हेमल देखिए आज ना हम लोग फुल एंजॉय करके आएंगे, बिकॉज सी में जाना होता है ना समुद्र के पास। चलिए तो अभी फटाफट से यहाँ से हम लोग वॉक करके ही जाएंगे और गोरमा है वो तृष्टि ना अपने वो कहते हैं ना सिर पे ऐसे लेके जाएगी। अच्छा ठीक है, चलिए अभी चलते हैं आगे आगे आप लोगों को पता चल जाएगा। सब लोग साथ में है, बहुत ज्यादा मजा करने वाले हैं। और देखिए सब लोग नीचे आ गए हैं, बट यहाँ पे ये लड़का भी आ गया है साथ में विसर्जन करने के लिए। हाय अमन, मजा आएगा ना? बहुत मजा। और अमन ना ऐसे रेडी होकर आया है कि उसे ना सीधा दरिया में, वो कहते ना समुद्र में जाके डुबकी ही लगानी है, इसलिए नहाने ही जाना है। देखो इसे नहाने ही जाना है, सब लोग एक्साइटेड है, बच्चे भी बिको, सबको समुद्र में नहाने जाना है। चलिए तो फटाफट से चलते हैं हम लोग यहाँ से घर से। चलिए तो अभी फाइनली गोरमा को यहाँ से लेते हैं और फिर चलते हैं नीचे। जय पुरुषोत्तम भगवान, जय श्री कृष्ण। लास्ट टाइम गोरमा के दर्शन कर लीजिए, मैं ना यहाँ घर पे ही ले लेती हूँ, देखिए फिर तृष्टि लगी नीचे से। चलिए तो अभी चलते हैं। देखिए तृष्टि अभी यहाँ पे हमारी रेडी हो गई है और गोरमा को ऐसे ले लिया है, देखिए मजा आ रहा है तृष्टि। यस, विसर्जन करने जा रहे हैं। चलिए तो अभी सीधा चलते हैं हम लोग वॉक करके समुद्र। देखिए अभी सब लोग पूजा कर रहे हैं और बच्चे देखिए यहाँ पे वो दिया करने के लिए ना इकट्ठा कर रहे हैं कि दिया यहाँ पे बुझे नहीं। तो चलिए अभी गोरमा की पूजा करते हैं और फिर विसर्जन करते हैं। तो चलिए अभी पूजा हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है, अब थोड़ी देर गरबा करेंगे, थोड़ी देर यानी कि थोड़ा टाइम। और देखिए आज कितना सारा क्राउड है, बहुत ज्यादा, सब अपने अपने गोरमा का विसर्जन करने के लिए आए हैं, तो अपने अपने तरीके से पूजा गरबा सब कर रहे हैं। चलिए हम भी गरबा कर रहे हैं। विसर्जन करते हैं, लास्ट बार गोरमा के दर्शन आप लोग भी कर लीजिए, हम लोगों ने कर लिए हैं। चलिए तो अभी चलते हैं सीधा गोरमा का विसर्जन करने, बिकॉज शाम होने वाली है, उससे पहले विसर्जन करते हैं। चलिए, थोड़ा सैड मूवमेंट लग रहा है। यस यस, कोई बात नहीं, चलो चलिए, वो तो अच्छा लगता ही नहीं है।
डर लगेगा, चप्पल जैसा आता है। चलिए अब लास्ट बार गौर माँ के दर्शन कर लीजिए और फाइनली विसर्जन करते हैं गौर माँ का, बिकॉज इससे आगे तो कैमरा लेके भी नहीं जा सकते, बिकॉज हमें अपने आप को संभालना पड़ता है। ये सब समन्वय भी पास है। चलो तो मैं लेके चलता हूँ, ठीक है। हिमल आप चाहिए और विसर्जन कर दीजिए। ओके। 1 hour later, 2 hours later। सो गाइस चलिए गोरमा का विसर्जन करके हम लोग वापस से घर पे पहुंच गए हैं। क्या हुआ था ना कि गोरमा का विसर्जन करने गए तो साथ साथ में ना सब लोग समुद्र में चले गए थे, सब लोग नहा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे और गोरमा का अच्छी तरह से विसर्जन कर लिया सबसे पहले। उसके बाद सब लोग समुद्र में से निकल ही नहीं रहे थे, बच्चे भी इतना ज्यादा एंजॉय कर रहे थे तो उसमें पता ही नहीं चला टाइम कहाँ पे चला गया। तो कोई बात नहीं, चलिए पुरुषोत्तम मास तो 3 साल में एक बार आता है तो वापिस से जले जले से ये 3 साल चले जाए और वापिस से पुरुषोत्तम मास आएगा तो भक्ति भाव सत्संग कीर्तन सब करेंगे, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। A few moments later। चले तो अभी हम लोग हो गए हैं एकदम से रेडी, मैं यहाँ पे एकदम से रेडी वापिस से हो गई हूँ। आज के दिन में मैं 3री बार रेडी हुई हूँ और हेमल भी यहाँ पे 3री बार रेडी हो चुके हैं। बिकॉज हेमल देखिए सुबह सुबह हम लोग गए थे महादेव के टेम्पल पे, सत्यनारायण भगवान के टेम्पल पे, सब टेम्पल्स पे गए थे, फिर वापस आके लंच बनाया, लंच किया और उसके बाद फिर गोरमा विसर्जन करने के लिए गए, फिर वापस से फ्रेश होके अभी रेडी हो गए हैं मस्त से। चलिए अब कहाँ पे ले जा रहे हैं आप? बस अब तो रेस्ट करने का, रेस्ट कर क्या करें अभी ना समुंदर में ना जाए। यस इसलिए वो हाँ बॉडी थोड़ा पेन करती है। लास्ट मोमेंट था ना। यस लास्ट डे भगवान अब 3 साल के बाद वापस पुरुषोत्तम मास आएगा। ये अधिक मास इतना वो सबको इसीलिए प्रिय होता है बिकॉज 3 साल के बाद आता है, इसलिए सब कृष्ण भक्ति में मग्न हो जाते हैं, पर बहुत अच्छा लगता है। चलिए अभी ज्यादा बातें ना करते हुए वरना मैं तो स्टार्ट करती हूँ ना तो एंड ही नहीं करती हूँ। अभी ना सभी अलग अलग जगह पर सभी हाँ आज दर्शन है ना आज, तो चलो मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। हाँ तो चलिए अभी चलते हैं हम लोग दर्शन करने के लिए और आज लास्ट डे है परिक्रमा का जो मैं आपको लोगों को दिखाती थी, तो हो सकेगा तो अगर सब परिक्रमा कर रहे होंगे तो आज लास्ट बार वो भी दिखाऊंगी, फिर तो 3 साल बाद देखने को मिलेगा, जन्माष्टमी के दिन होता है। बट चलिए आज पुरुषोत्तम वास वाली परिक्रमा, चलिए तो अभी चलते हैं हेमल। चलिए चलो टेम्पल चलिए। चलिए तो अभी सबसे पहले हम लोग आए हैं यहाँ पे जगेश्वर महादेव के टेम्पल पे, तो चलिए अंदर चलते हैं और महादेव के दर्शन करते हैं। और आज यहीं से देखिए कितना प्यारा लग रहा है हेमल, कितना प्यारा लग रहा है। Yes, अभी कल से तो सावन मास की तैयारियां आज से ही शुरू हो गई। वैसे भी आज बहुत बड़ा दिन कहते हैं, आज पुरुषोत्तम मास का लास्ट दिन एंड सावन मास कल से सुबह से स्टार्ट, तो बिगेस्ट नाइट है आज की महादेव के लिए। कई सालों के बाद आया ना। हाँ ये संजोग कई सालों के बाद आया है और मंदिर कितना प्यारा लग रहा है। चलिए तो चलते हैं और महादेव के दर्शन करते हैं। तो चलिए गाइस महादेव का अच्छी तरह से दर्शन हो गए हैं एकदम शांति से, अब चलते हैं हम लोग यहाँ से। तो अभी हेमल लेके आए हैं यहाँ पे श्रीनाथ जी की हवेली पे, बट क्या है ना कभी यहाँ पे बहुत ज्यादा ही रश है, ऑलमोस्ट देख सकते हो आज लास्ट डे है क्योंकि अमावस्या है, तो आज यहाँ पे ना 56 भोग के दर्शन है तो अभी बहुत ज्यादा ही रश है, और बाहर भी डेकोरेशन किया है। चलिए तो अभी दर्शन कर लेते हैं बिकॉज अंदर तो कैमरा अलाउड नहीं है, तो चलिए अभी भगवान के दर्शन कर लेते। तो
तो चलिए भगवान के बहुत अच्छी तरह से दर्शन हो गए, बहुत ज्यादा ही रस था, बिकॉज क्या है ना, 56 भोग के दर्शन थे और आज पुरुषोत्तम महीना का लास्ट डे है और 56 भोग के दर्शन यानी कि द्वारकाधीश के दर्शन भी कह सकते हैं श्रीनाथ जी की हवेली पे, तो बहुत ज्यादा रस था, बट शांति से दर्शन हो गए। और वो कहते हैं ना 10-15 मिनट में तो लाइन थी, तो जल्दी जल्दी से दर्शन भी हो जा रहे थे, तो बहुत अच्छा लगा भगवान के दर्शन करके। चलिए तो अभी चलते हैं हम लोग सीधा घर पे। तो आज लास्ट डे है इसलिए देखिए सब लोग परिक्रमा कर रहे हैं, जैसा कि मैंने घर पे ही बोला था कि आज भी सब लोग परिक्रमा कर रहे होंगे। और मस्त देखिए यहाँ पे टेंपल के दर्शन करने जाते हैं गणपति बापा के। और आज ये डांसिंग वाला रास्ता है ना, उसकी वजह से पूरा कैमरा हिल जाता है। चलिए फाइनली मैं पहुंच गई हूँ वापस से घर पे। आज ना सुबह से पता ही नहीं चला कि पूरा दिन कहाँ पे चला गया। सुबह भी टेंपल वगैरह पे गए थे, फिर गुरुमा का विसर्जन करने गए, फिर वापस से टेंपल पे गए थे, तो पता ही नहीं चला पूरा दिन कहाँ पे चला गया। चलिए तो आज डिनर नहीं करना था बिकॉज हम लोगों का अमावस्या का फास्ट था। सो चलिए अभी मैं बैठूंगी सीधा मेरा एडिटिंग का काम लेके और आज का व्लॉग भी यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारी चैनल हैरी मधु लाइफस्टाइल को जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। सो चलिए मिलती हूँ कल, तब तक के लिए सबको गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। Deep in the shadows, I know it's hard.